The probability that a part manufactured by a company will be defective is 0.05. If 15 such parts are selected randomly and inspected, then the probability that at least 2 parts will be defective is dash. तो हमें ये probability निकालना है round off to 2 decimal places. ये MEGATE 2019 में आया था. जो ये topic है ये लगभग सभी branches में common है. तो आप किसी भी branch के हों इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके ब्रांच में भी आ सकता है. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, रिपीटेड ट्रायल्स वाला. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इन एन ट्रायल्स का फॉर्मूला होता है NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R. इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं जो रिपीटेड ट्रायल्स के लिए यूज होता है. PR यहाँ पर probability of R success in N trials होता है और N होता है number of trials, P होता है probability of success in each trial and Q होता है probability of failure in each trial. क्योंकि total probability 1 होता है तो success plus failure का probability 1 होगा, तो P plus Q को हम 1 लिख सकते हैं. तो यहाँ से Q हम निकाल सकते हैं 1 माइनस पी से. तो क्वेश्चन में 15 पार्ट्स सेलेक्ट किए गए हैं रैंडमली, तो क्वेश्चन में n की वैल्यू 15 है क्योंकि हमने 15 पार्ट्स सेलेक्ट किए हैं और p की वैल्यू 0.05 होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पार्ट विल बी डिफेक्टिव 0.05 है और q हो जाएगा 1 माइनस पी. That will be 1 minus 0.05, that will be equal to 0.95. तो हमें Q मिल गया 0.95 और ये हो जाएगा probability of non-defective for each part. तो P हो गया यहाँ पर probability of defective for each part and Q हो गया probability of non-defective for each part और दोनों यहाँ पर हमें पता है. तो क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने 15 पार्ट सेलेक्ट किए हैं रेंडमली और हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एटलीस्ट 2 पार्ट्स विल बी डिफेक्टिव. तो एटलीस्ट 2 पार्ट्स का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स डिफेक्टिव हो. तो R को हम मान लेते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स. तो हमारा PR हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ R डिफेक्टिव पार्ट्स इन 15 पार्ट्स. तो यहाँ पर एक फैक्ट यूज़ करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है. तो हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है. अगर हमने 15 पार्ट सेलेक्ट किए तो उसमें से या तो 0 पार्ट्स डिफेक्टिव होंगे, या तो 1 पार्ट्स डिफेक्टिव होंगे, या फिर 2 पार्ट्स डिफेक्टिव होंगे, या फिर 3 पार्ट्स डिफेक्टिव होंगे, या फिर 4 पार्ट्स डिफेक्टिव होंगे, या फिर पूरे के पूरे 15 पार्ट्स डिफेक्टिव हो जाएंगे. और अगर इस सारे प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 पार्ट्स डिफेक्टिव का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स डिफेक्टिव होने चाहिए. तो अगर हम इन सारे प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 पार्ट्स डिफेक्टिव. इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पार्ट्स डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पार्ट्स डिफेक्टिव प्लस इन सब के सम को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 पार्ट्स डिफेक्टिव. तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 इक्वल टू 1. हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 पार्ट्स डिफेक्टिव. तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी नॉट और पी वन को उधर भेज देंगे तो हमें मिल जाएगा पी नॉट प्लस पी वन. ये हो जाएगा 1 माइनस पी जीरो. निकालने के लिए आप आर की जगह 0 डाल दीजिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में. तो ये मिल जाएगा एन सी 0 पी टू पावर 0 क्यू टू पावर एन माइनस 0. और पी वन निकालने के लिए आप आर की जगह 1 डाल दीजिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले में. तो हो जाएगा एन सी 1 पी टू पावर 1 क्यू टू पावर एन माइनस 1. एन की वैल्यू 15 है तो आप यहाँ डाल दीजिए. यहाँ पर आप पी और क्यू की वैल्यूज भी पुट कर दीजिए आप. तो ये हो जाएगा 1 माइनस 15 से 0 होता है 1 तो ये हो जाएगा 0.95
टू द पावर 15 प्लस 15 सी वन 15 होता है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.17। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 मिल गया 0.17, और यही हमारा आंसर है।